नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, जिसमें पर्यावरण का सेक्शन आता है 30 नंबर का, उसमें एक विटामिन का भी क्वेश्चन दिया रहता है कभी कभी, और काफ़ी बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में, तो चलिए क्विक वीडियो में जान लेते हैं। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं बायोलॉजिकल भाषा में, उसकी कमी से जो है रतौंधी और जीरोथैल्मिया होता है, जीरोथैल्मिया रतौंधी। और विटामिन बी वन थायमिन, इसका जो है बायोलॉजिकल नेम है, और बेरी बेरी रोग इससे होता है। और अगला है विटामिन बी टू, यानी कि राइबोफ्लोविन, इससे जो होता है किलोसिस होता है, जीभ और होठों का फटना विटामिन बी टू की कमी से। अब विटामिन बी थ्री की कमी से जो है नियासिन, इसे नियासिन बोलते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ, वो आपको जो है लिस्ट में मिल जाएगा, उसकी विटामिन वाला, वो भी देख लीजिएगा। तो विटामिन बी थ्री यानी कि नियासिन के कमी से जो है लाल सफ़ेद दाग और चकत्ते, बुद्धि कमज़ोर होना, ये रोग होते हैं विटामिन बी थ्री की। और विटामिन बी फाइव की बात करते हैं, विटामिन बी फाइव यानी कि पेंटोथेनिक एसिड याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि विटामिन बी फाइव का जो है बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो आपको याद रखना है कि पेंटोथेनिक एसिड, इससे जो है पेलाग्रा हो जाता है। और अगला है विटामिन बी सिक्स यानी कि पायरिडॉक्सिन से जो है विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये, इसका पायरिडॉक्सिन नेम होता है। अगला जो है विटामिन बी सेवन यानी कि बायोटीन की कमी से जो है लकवा, बालों का झड़ना। और जो अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है विटामिन बी12 यानी कि साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन बी बी12 यानी कि कोबाल्ट की, इसको याद रखिएगा, कोबाल्ट की कमी से जो है एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है। और विटामिन सी, विटामिन बी खत्म हो गया, विटामिन बी के जो है आपको बायोलॉजिकल नेम याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। विटामिन सी की कमी से सभी लोग जानते हैं कि जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से जो है स्कर्वी होता है। विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल की कमी से जो है रिकेट्स होता है, और कभी कभी से जो है ऑस्टियोमेलेसिया रोग भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ ले बाई चांस कि ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी याद रखिएगा। और अगला जो है वो है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, यानी कि टोकोफेराल। विटामिन के जो है वो फिलोक्विनोन है, इससे जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसकी कमी से याद रखिएगा। विटामिन बी नाइन यानी कि फोलिक एसिड, इसकी कमी से जो है एनीमिया और वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों, ये कुछ विटामिन थे, इनके जो रोग थे उसके बारे में मैंने बताया। मैंने एक वीडियो विटामिन पे बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, उस पर जो है इसके जो बायोलॉजिकल नेम और विटामिन्स के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि विटामिन की खोज कभी कभी पूछ लेता है, विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप याद रखिएगा, विटामिन की खोज की थी पंक ने, याद रखिएगा। और मेरा पिछला वीडियो जो है देख लीजिएगा, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।